सच सच बता, टिफिन लेकर गया था या नहीं? मैंने भेजा था। ये किसने कहा खाना बनाने के बदले उन्हें यही छप्पन भोग मिलेगा? उन्हें तो मिलेगी बची हुई जूठन। अब हम खाने की जूठन नहीं, पहलाने वाला खाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। मनु ने कहा था कि आज हम सबसे पहले खाना खाएंगे, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? पता नहीं, लेकिन आजकल उसकी हर बात पर भरोसा करने का दिल चाहता है। भूख लगी है, कप्पे मारने के लिए तुम लोगों को नहीं बुलाया? सारे मेहमान आ गए हैं, 10 मिनट, 10 मिनट में सबको खाना परोसो। ओए, तू ये घूर घूर के मुझे देखना बंद कर दे। ओए, तू जानती है इनका गुस्सा जब तक घूरती रहती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। की बात है परचाई, ऐसा क्या लतीफा सुना दिया मैंने जो स्माइल छूट गई? कुछ याद आ गया। तुझे याद है जब तू शादी कर आई थी तो खाना नहीं बनाना आता था? जब तक मैंने तेरी मदद नहीं की तब तक तू खाना नहीं बना पाई थी। कभी सोचा नहीं था कि 10 साल बाद सबके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करेगी। क्यों, पता होता तो नहीं करती मदद? यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। मुझे अगर पता भी होता ना रावी, तेरी मदद जरूर करती। मेरी देवरानी जो ठहरी तू, रमन तेरी दोस्ती गलत नहीं है रमन, लेकिन जिस खानदान से तूने दोस्ती की है ना, वो सरासर गलत है। अरे मैं भी जानती हूँ कि वो लोग तकलीफ में हैं, लेकिन मैं अपनी दुश्मनी नहीं भूली। बाजवा और पवनिया ना कभी एक दूसरे के दोस्त थे और ना ही कभी होंगे। इतनी सी बात तू समझता क्यों नहीं है? अरे आज तो मैंने तुझे तेरे बाप से बचा लिया, लेकिन अगर उसे पता चल जाता ना तो मार मार के हालत खराब कर देता तेरी। हुआ आप सब बड़ों ने इतने सालों से दुश्मनी चुनी और निभाई भी, लेकिन मैंने अपने लिए दोस्ती चुनी जिसे मैं पूरी शिद्दत से निभाऊंगा भी। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि इस बात का पता मैं किसी को नहीं चलने दूंगा। एक और बात, आप बहुत अच्छे, थैंक यू मेरी बुआ बनने के लिए, और आज आपने मुझे पापा जी से भी बचा लिया। अरे दीदी आप रो क्यों रहे हो? मन्नू तू ऐसे सबके बीच में घूम घूम कर शरबत बांट रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे छोड़ो ना दीदी, अभी हमको अपनी तरकीब में काम करना है ना। चलो तैयार हो जाओ। चलो दीदी हो जाओ शुरू। हाय रब्बा, इतनी सोनी साड़ी सी, सारा शरबत गिरा दिया इस पर, होना ठीक होने वाली। ओए, अंधी है, तू दिखाई नहीं देता? हाँ, हाथ पांव ने काम करना ही बंद कर दिया है, मन करता है लगाओ चपेट। ओए, तू नीज नहीं है बच्चों को, निकालती है या? मामान जी, क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए, बच्चा है सब।
शाह जी माफ कर दीजिएगा बच्ची को, भतीजी नहीं तो अपनी प्रजा समझकर माफ कर दीजिए शाह जी। ठीक है तो जाए ऐसे। मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ है जी, मैं क्यों बोलूंगी कुछ है? बदल लेने कपड़े वापस से है? हम इसका बदला जरूर लेंगे क्योंकि मम्मी ने खाने में जो मिलाया है ना उससे सारे मेहमान घर नहीं अस्पताल भागेंगे। अच्छा हाँ। जी ये बताओ दीना जी कैसी हैं? अब क्या बताएं बहन जी, बिस्तर पर पड़ी है बस, सुबह शाम उनकी सेवा कर रही है हमारी बेटी, किसी आस में कि जल्दी से ठीक हो जाए बस। कुछ भी कहो दीना बहन के साथ बहुत बुरा हुआ। ओए हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं तो कहती हूँ परजाई को ना ऊपर वाला। ओए माता रानी देखना जरूर जम के सजा देगी। बहुत जल्दी दस्तखत वाला काम भी हो जाना है, बस उसके बाद पूरे पिंड के बारे में सोचेंगे। और बाबू जी पिंड का बाद में सोचेंगे, यहाँ तो करके शान की नुमाइश सरेआम हो रही है वो देखो। हाय रब्बा देखो ना किसका लड़का किसे घूम रहा है, और तो सुखी है। सुखी? ओ नमस्ते जी। ओ जी नमस्ते। अरे ओ पापा जी। रावी। मम्मी। सुखी। अरे मम्मी मेरा कान तो छोड़ो, अरे अरे मम्मी कान में कुछ, चुप एकदम चुप, जब देखो खाने की सूझती है। अरे पिंड के मम्मी नाक कटा दी इसने। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो, चुप चुप, यहाँ बाप शाह बनने वाला है और उनका पुत्र ये मोया चट्टी में घूम रहा है। खाना लगवा दिए हैं। ओ भाई सुनिए रोटी छोटी तैयार हो गई है, चलिए खाना खाते हैं। अरे मम्मी ओए चुप, क्या मम्मी मम्मी सब कहते हैं रावी पर गए, ओए कहां से रावी पर गए। अरे मम्मी मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं सकते हो क्या? तू मेरी बात सुन, तेरे पापा जी की ना इज्जत हैगी और तू अपनी इज्जत की नुमाइश करते फिरता है। मम्मी तू तू चुप। अरे मम्मी मैं जो कह रहा हूँ सुन तो लो कम से कम। हाँ बोल। मम्मी खाने में कुछ मिला हुआ है की? हाँ ये खाना खाके हमारे मेहमान घर नहीं सीधा अस्पताल जाएंगे। मैंने मेरे कानों से मन्नू और गुंजन निधि को बोलते हुए सुना है। हाय रब्बा, हाय देखो तो सब लोग वहाँ खाने के लिए जा रहे हो, जल्दी आओ जी बैठ जाओ। मन्नू तूने तो कहा था कि पहलाने वाला हम लोग खाएंगे, तो फिर ये सब? दीदी ये तो शुरुआत है, आज जाके देखो
होता है क्या? अरे मम्मी चुप, एकदम चुप। और चलो जी खाना परोसो। रुको, क्या तमाशा बना रही है? ओए तमाशा नहीं है जी, एक अच्छी बात पता चली है। मैं तो नहीं, मेरी बात तो सुनो, तो चुप करना। रुक क्या मम्मी? बंद रहना अपना। मुझे ना लगता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? ये मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। खाने में कुछ मिला है जी। सबने बीमार पड़ जाना है। हाँ। बड़ी अजीब बात है। खाना खाने के लिए बुलाया है, बीमार करने के लिए? पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बता की होया कि दुश्मनों ने ना आपके जश्न को बर्बाद कर देना चाहा। मैं तो बचा रही हूँ। मेरी तरफ क्यों देख रहा है जगन? मैं ऐसा क्यों करूंगी? रब्दी सौ मैंने, हम सबने इतने प्यार से खाना बनाया सबके लिए, मैंने कुछ नहीं मिला है। ओए हाँ हाँ जी, आपका प्यार तो सब लोगों ने देखा है। सुखी ने खुद अपने कानों से सुना है मन्नू को कहते हुए कि परजाई ने खाने में कुछ मिलाया है। वाह चाचू, एक तो इतनी मेहनत कराते हो और ऊपर से हम भी इल्जाम लगा रहे हो। मेहनत? ओए हाँ हाँ, बड़ी मेहनत की है तुम लोगों ने। सबको अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की है तुम लोगों ने। कुछ मिला दिया है ताकि सब अस्पताल पहुंच जाए और हमारा जश्न खराब हो जाए, यही तो चाहते हो ना तुम लोग? रावी, क्यों करेंगे हम भला ऐसे? इस घर की इज्जत की परवाह मुझे भी है। यहाँ से खाकर सब लोग बीमार पड़ जाएंगे तो मेरे पति की, मेरी बेबे की इज्जत चली जाएगी। क्यों करेंगे हम ऐसा? बस, बस। अब तू ये खाना खाएगी और साबित करके दिखा कि तूने कुछ किया नहीं है। चाचा जी, ये खाना हम कैसे खा सकते हैं? ये तो मेहमानों के लिए है ना, नौकर खाएंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। चुप कर। और अभी खाना परोस इन चारों के लिए। खाना अब ये चारों खाएंगे। अगर इस खाने में सही में खोट है तो अस्पताल ये चारों जाएंगे, मेरे मेहमान नहीं। मैंने कहा ना, बैठो ये। अब हम खाने की झूठन नहीं, पहलाने वाला खाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। खाने में अब हम जाए? चुप करके प्लेट साफ कर अपनी, चलो खाओ।
वापस और नहीं खाया जाएगा। चाचा जी अब हम जाएं। और मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना ना बहुत अच्छा था। तीन फुटिया लड़का तो बहुत ही चालाक है। इसे बुरबक समझना सबसे बड़ी भूल होगी। वाह भाई अम्बा, वारिस तो तूने पवनियों को बड़ा ही तेज दिया है। और अफसोस कि ये सुशीला की लीला में फंस के रहेगा। मगर सबसे पहले हमें अपने बायल की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। चाचा का चेहरा तो देखने लायक था। और चाची कितना डर रही थी चाचा से। और वो सुखी का पजामा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बीजी को भी देख लिया। दूर से देखा लेकिन सही है ना मम्मी? सब बेबे ठीक हो जाए जल्दी से। बैल बुद्धि हो का? तुम बुरबकों की वजह से सारा प्लाने चौपट हो गया। जाहिल औरत और बंजर जमीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उस साला पिते मुझे बेवकूफ बना के चला गया। आज ही फैसला करना है। ममान जी कहाँ चल दिए? आपके यहाँ बुद्धि से काम लेने का कोनो रिवाज ही नहीं है का? हैं? ऐसे ताइस में आके कुछ मत कीजिएगा। हम है ना सब संभाल लेंगे। अब देखिएगा कल सवेरे से वो मनुआ के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। बेचारा सुशीला की लीला से बच नहीं पाएगा। बिद्दी बिलोटा। आधे घंटे से खरे खरे पैर दुखने लग गए पर ही मनुआ नहीं आया अब तक। चल सुशीला दिखा अपनी लीला। मनु बेटा यहाँ आओ बेटा। जी नानी। इलो बेटा। लो बेटा प्रसाद है। मंदिर गए थे सुबह। तुमरे और तुमरे अम्मा के बारे में सोच सोच के नींदे नहीं आई रात को। यही सोचते थे कि हम ऐसा का करें कि तुम सब घर लौटाओ। देखो बेटा तुमरे चाचा को मनाना आसान तो है नहीं पर हम कुछ सोचे हैं। करोगे बेटा? क्या सोचा आपने नानी? देखो बेटा तुम्हारे चाचा जो है ना उनके असिस्टेंट बन जाओ। असिस्टेंट समझे हो? उनके साथ उनके काम में हाथ बटा लो थोड़ा। एक तो घर में आना जाना वापस शुरू हो जाएगा तुम सबका और दूसरा पैसे से थोड़ा मदद हो जाएगा तुम राम माँ का।
लेकिन नानी चाचा मुझे काम पे नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे मामान जी से बात करने की, हैं? पर पहले तुमको भी तो राजी होना चाहिए ना। अपनी नानी पर भरोसा करो बेटा, जैसे भी होगा हम मदद करेंगे तुम्हारी, ठीक है? तेरे ये बच्चे आज रात भी भूख के ही सोएंगे। दीदी आप परेशान क्यों हो रहे हो? अब जाओ स्कूल, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है नानी। ठीक है बेटा, ठीक 10 बजे आ जाना घर। हाँ आना। हाँ